भाई आज क्या तुम यकीन करोगे? So hey guys, welcome back to another video. और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चीज जो कि है जो बहुत मतलब हम लोग यूट्यूबर्स का एक ही सपना होता है कि हम लोग भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हों, हम लोग के वीडियोस पे भी बहुत सारे व्यूज हैं और हम लोग भी बहुत फेमस हो गए हैं। तो ऐसे ही जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हो गए उन्होंने भी एकदम स्टार्टिंग से बिगिनिंग से स्टार्ट किया जब उनके भी एक भी फॉलोअर सब्सक्राइबर कुछ नहीं होगा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि उन यूट्यूबर्स ने जो अपने फर्स्ट वीडियो बनाए थे वो कैसे थे और आज कैसे हैं। तो हो सकता है हम भी उन्हीं के जैसे वीडियो बना रहे हों, तो हो सकता है हम भी आगे जाके बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाए, हम लोग का भी सपना पूरा हो जाए। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं और इससे हम लोग को बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। वो भी जैसे वीडियो बनाते हैं तो स्टार्टिंग में शायद हम लोग भी वैसे ही बनाते हैं तो हम लोग के वीडियो भी ग्रो हो जाए। तो आज इसी इंस्पिरेशन के लिए आज हम लोग ये वीडियो देखने वाले कि उनके फर्स्ट वीडियो कैसे थे। और चलो इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। इसकी वीडियो जरूर से लाइक कर दो, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई आज क्या तुम यकीन करोगे कि 8 साल पहले मिस्टर बीस्ट दूसरे ऐसे यूट्यूबर्स की अर्निंग बता करके कमा रहे थे जिनको आज जानता भी कोई नहीं है। So if you subtract 20%, that comes out to $3,000. He's making $3,000 per day after his network takes the cut. पॉपुलर यूट्यूबर्स की पुरानी वीडियो, खास करके उनकी फर्स्ट वीडियो हमारे यूट्यूब होम पेज पर तो जल्दी रिकमेंड नहीं होती है, बट जाने अनजाने हमें बहुत सी चीजें सिखा देती हैं। उनका स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, पैशन एंड हार्ड वर्क। तो यारो चलो क्यों ना आज हम अपने कुछ ऐसी फेवरेट यूट्यूबर्स के फर्स्ट वीडियो को देखते हैं। नंबर वन गाइस, चलो हम इस वीडियो का स्टार्ट ही उस चैनल से करते हैं जिसका मतलब उसके क्रिएटर्स को भी नहीं पता है। ये शुरुआत में अपने चैनल को लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूज थे कि कभी वो क्रिकेट की वीडियो बनाया करते थे तो कभी उसके ब्रेकडाउन की, मतलब अपने यूट्यूब चैनल के प्रति। उस समय उनके मन के विश्वास का कुछ ये हाल था। Yes guys, I am talking about Silly Point, उर्फ स्ले पॉइंट। मार्च 2016 में चैनल ओपन करने के बाद उन्होंने बहुत बार अपना कंटेंट चेंज किया और फिर उसके बाद उन कंटेंट्स की वीडियोस को प्राइवेट भी किया। पर YouTube एल्गोरिथम भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन्स जो हमने पहले के वीडियो में बताया, तो हमें डिलीट करना ही पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं। तो अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से आज विनोद के क्रिएटर्स की अब ये फर्स्ट वीडियो ही बची है जिसमें वो लोगों से उनके IPL ओपिनियन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया था, बताओ भाई। स्टार्टिंग लोगों ने भी काफी कैटेगरी सेलेक्ट की थी लेकिन उनका उस समय नहीं चला यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से। अब देखो अब कितना हो गया। वैसे अब उनके चैनल का नाम स्ले पॉइंट स्ले पॉप हो गया, तो अब नया नाम लोगों ने रख लिया और यूट्यूब एल्गोरिथम में उनका चैनल भी सपोर्ट कर गया है और इस वजह से आज उनके बहुत फॉलोअर्स हो गए, उनका चैनल भी चल गया है। अबे साले। नंबर टू, ससुरा गजब हो गया समझे कि नहीं? अरे बकलोल, अगर आप इस डायलॉग को जानते हो तो फिर सिंपल से दिखने वाली ये सिंघम पर्सनालिटी कौन है ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब भाई मेरा इंडिया से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, बट फिर भी पता नहीं खान सर की वो कौन सी वीडियो होगी जो मैंने लास्ट तक नहीं देखी हो। मतलब भाई इनके रिसर्च एंड पढ़ाने के स्टाइल की तारीफ मैं क्या ही करूं, बट क्या आपको पता है कि खान सर शुरुआत से ही ऐसे नहीं थे। हाँ रिसर्च तो तभी उनकी कमाल की थी, बट वो कॉमेडी करने में इतने भी ओपन नहीं थे। और आप ये खान सर की फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देख कर भी बता सकते हो जो खान सर के ऑफिशियल चैनल पर तो नहीं बट फिर भी यूट्यूब पर प्रेजेंट है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उस देश के अंदर हमला ना हो और वो देश दूसरे पर अगर जरूरत पड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज करके तुरंत हमला कर सकते हैं। तो एक चीज तो इन सबको देख के अभी तक समझ आई, हम लोग भी जो वीडियोस बना रहे हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग भी बहुत ग्रो कर जाए। तो ऐसा हम लोग का कुछ अलग नहीं है, बस ये है कि हम लोग का वीडियो भी यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ सपोर्ट कर जाए, सजेशन में चला जाए, शायद हम लोग का वीडियो भी एकदम से उठ जाए और ट्रेंडिंग में आ जाए तो हम लोग भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए भाई मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहो। बीच में जरूर थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन हम लोग भी ग्रो कर जाएंगे भाई। नंबर थ्री, तो गाइस अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पैसिनेटेड गेमिंग यूट्यूबर की जो अपने वीडियोस को बनाने को लेकर इतना ज्यादा पैसिनेटेड थे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे ऐप के बारे में ना पता होते हुए भी उसने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग करके भी वीडियोस बनाई थी। अब बहुत से लोग वीडियो बनाने के इस तरीके को बेवकूफी बोलेंगे क्या भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे ऐप के बारे में भी नहीं पता था। पर भाई कुछ भी बोलो, मैं तो फिर भी इस बंदे की पैशन की तारीफ ही करता रहूंगा। ऐप के बारे में ना मालूम होते हुए भी जुगाड़ लगा के भी वीडियो बना ही ली। यार ऐसे कोई थोड़ी ना रेड बुल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है,
वैसे क्या आपको पता है कि उज्जवल भाई की फर्स्ट वीडियो उनके मेन चैनल टेक्नो गेमर्स पर नहीं बल्कि उज्जवल 84 नाम के पुराने यूट्यूब चैनल पर डाली गई थी, जिस पर पहले पहल 100 से 150 व्यूज ही आए थे। बट भाई वही काफी थे हमारे उज्जवल भाई को मोटिवेट करने के लिए। बट गाइस बात ये थी ना कि उस चैनल पर वो जो चाहे वो वीडियो डाल दिया करते थे, बट फिर उनको रियलाइज हुआ क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि हमें ना अपना जो कंटेंट है वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से बनाना है, ना कि ऑडियंस को कंटेंट के हिसाब से बनाना है। जिसके बाद उज्जवल ने अपने भैया के साथ मिलकर अगस्त 2017 में एक प्रोफेशनल टाइप यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम तो आप सब जानते ही हैं। उन्हीं के तो नाम से भाई इस वीडियो पर व्यूज आएंगे। अब इस चैनल के फर्स्ट वीडियो तो यूं ये स्वाडिगो वाला दिखाया जाता है, बट फिर भी अगर आप इसके रिलीज डेट एंड चैनल के ओपनिंग डेट को मिलाओगे तो वो अलग है। दैट मींस ये भी टेक्नो गेमर्स की फर्स्ट वीडियो होने से रही। लेकिन 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 टेक्नो भाई ने अपने 50 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर पबजी के ऊपर अपनी पहली लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें वो कुछ ऐसे दिख रहे थे। ओके गाइस सॉरी मैं माइक ऑन करना भूल गया था। हेलो भाई सभी, पहले के टाइम में तो कितना चेंज था और अब कितना चेंज आ गया भाई, बहुत फर्क आता है। बस एक बार सपोर्ट कर जाए YouTube एल्गोरिथम हम लोग की वीडियो चली जाए फिर तो जो मजा है भाई बहुत ही अलग लेवल का जो भी हो। लेकिन ये जो भाई है ना व्हाट द फैक चैनल है भाई, क्या वीडियो बनाता है, बढ़िया फैक ढूंढता है, तो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और भाई रिव्यू करने में इतना मजा आ रहा है, चीजें देख रहे हैं इतना बढ़िया लगता है। तो इस चैनल को भी जरूर चेकआउट करना और अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आते हो, मेरे रिक्रिएशन पसंद आते हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आगे ऐसे अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा। नंबर 4। अच्छा गाइस जरा गेस करने की कोशिश करो कि 2020 में कोरोना के अलावा वो कौन सी चीज थी जो बहुत ही तेजी से वायरल हुई थी और आज भी उसका वैक्सीन नहीं निकल पाया है। और तो और वो कई जगहों पर तो ओमिक्रॉन की ही तरह म्यूटेट करके आज फूड ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस फूड ब्लॉगिंग से फूड हटा दो अपने आप पता चल जाएगा। अब ब्लॉगिंग को भी वायरल करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ था वो थे ये यानी सौरभ जोशी। मतलब भाई इस बंदे की कंसिस्टेंसी का मैं क्या ही तारीफ करूं, मैंने लिटरली पूरे यूट्यूब पर इस जैसा कंसिस्टेंट बंदा बहुत कम ही देखा। और ये सिर्फ मैं ब्लॉगिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब इनके आर्ट चैनल के ट्यूटोरियल को भी देखकर सीखा करता था तो भी इनकी कंसिस्टेंसी का यही हाल था। वेलकम टू बॉलीवुड स्केचबुक, हियर योर डोज ऑफ ड्राइंग स्किल्स, माय नेम इज सौरभ। बॉलीवुड स्केचबुक वाले हमारे ये भाई साहब शुरुआत में अपने आर्ट वाले चैनल के नेम को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, बट फिर एट लास्टली उन्होंने उसका नाम अपने नाम पर ही रखा। आज इस आर्ट वाले फर्स्ट चैनल पर सौरभ जोशी की फर्स्ट वीडियो 2000 नोट वाली ये पेंटिंग की है, बट आज मैं आपको इंटरनेट पर मौजूद सौरभ जोशी की सबसे पुरानी ब्लॉगिंग वाली वीडियो दिखाने वाला हूँ जो मुझे मिली भी है तो एज अ मीम के फॉर्म में। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए। आप जरूर हो गए भाई, पहले तो नहीं हो पाए। 25 दिन में नंबर 5। चलो यार अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने जब अपनी स्टूडियो खोली तो उसमें वो फेल हुआ, जिसने जब अपनी बुक लिखी तो भी वो फेल हुआ और जिसने जब अपना बिजनेस खोला तो उसमें भी वो फेल हुआ, बट इतने फेलियर के बावजूद भी वो रुका नहीं और आज इंडिया में मोटिवेशन के दूसरे नाम से जाना जाता है यानी संदीप महेश्वरी। भाई अगर आप इनके फर्स्ट वीडियो को देखोगे ना तो लिटरली आपको एहसास होगा कि अगर कोई भी खूब ट्राई करे तो सच में अपने आप को एक अल्टीमेट फॉर्म में बदल सकता है। यूं तो संदीप महेश्वरी के चैनल पर सबसे पुरानी वीडियो ये सॉन्ग वाली वीडियो है जो तकरीबन 11 साल पुराना है और उसके बाद ये फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार वाली वीडियो। बट संदीप महेश्वरी ने अपने अनस्टॉपेबल वाले सेमिनार में ये खुद बताया है कि ये उनकी फर्स्ट वीडियो नहीं है बल्कि उनकी फर्स्ट सेमिनार की वीडियो तो चाहकर भी किसी के पास नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद था कि जो मेरा फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार हुआ था वहाँ पे सिर्फ 20-25 लोग बैठे हुए थे एक छोटे से कमरे में और किसी के हाथ में कोई कैमरा नहीं। अब इसी सेमिनार में संदीप महेश्वरी ने ये खुद बताया था कि शुरुआत में जब वो धीरे धीरे फेमस हो रहे थे तब उन्होंने बहुत पहले पुणे के एक MBA कॉलेज में एक स्पीच दी थी जिसमें उनका हाल कुछ ये हो गया था। बताओ स्पीच बोल रहे होंगे अटैक्ट है आज के समय में क्या मोटिवेशन देते हैं क्या बात है। वैसे बहुत ही बार संदीप महेश्वरी पर बहुत से एलिगेशंस भी लगाए गए थे और उन पर मीम्स भी बनाए गए हैं। बट भाई तुम खुद ही सोचो कि जो बंदा 100 के सामने ऐसे से हजारों के सामने ऐसे बन सकता है उसके पास तो हमें मोटिवेट करने का राइट हो ही सकता है। भाई इन लोगों को देख के एक मोटिवेशन तो आता है कि वो कहाँ थे, ये स्टार्टिंग कैसे की, काफी अब सौरभ जोशी ने इतना कुछ किया, पहला वीडियो देखो संदीप महेश्वरी सर का देखो तो बहुत फर्क लगता है देखने में ना कि कैसे स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ पहुँच गए। तो ऐसे हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं भाई धीमे धीमे अच्छा करेंगे। बाकी अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया और आपके फैक्ट्स बढ़िया लगे तो व्हाट द फैक्ट चैनल को भी जरूर से चेकआउट करना और इस चैनल को भी जो हर्षित सिंह नाम से ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन करके वीडियो को लाइक कर दो और क्या चीज अच्छी लगी कमेंट करके बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।